तो बहुत पैसा होने के बाद में भी आप खुश क्यों नहीं है, तो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पुणे मुंबई अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, ऐसे काफी सारे लोग हम देखते हैं कि उनके पास में आप जो चाहते हो सब कुछ है, मगर तभी भी वो खुश नहीं है। उनके पास में गाड़ी है, बंगला है, जो चाहिए वो गाड़ी है, जो चाहिए वो बंगला है, जितना बड़ा चाहिए उतना, बच्चे भी पढ़ रहे हैं बड़े बड़े स्कूल्स में, और सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। फिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी ऐसी है कि उसको जो भी वो चाहता है वो मिल गया, उसके बाद में उसकी चाहत और बढ़ जाती है, उसकी अपेक्षा और बढ़ जाती है। समझो वो 50,000 रुपये एक महीने में एक व्यक्ति कमा रहा है, तो वो सोचता है कि नहीं नहीं अभी तो मैं खुश नहीं हूँ, मुझे 1,00,000 रुपये समझो मिलते हैं ना महीने के, तो मैं खुश हो जाऊंगा। और फिर वो 1,00,000 महीने के मिलने के लिए वो काम करते रहता है। फिर उसको लगता है कि मैं 1,00,000 मिलूंगा तो मैं बड़े फ्लैट में जाऊंगा, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बड़ा मोबाइल लूंगा, अच्छा मोबाइल, कीमती मोबाइल लूंगा, और फिर वहां से बहुत मजा आ जाएंगे, ऐसा उसको लगता है। फिर वो 1,00,000 रुपये उसकी तनख्वाह हो भी जाती है या वो कमाने भी लगता है, थोड़ा सा कुछ दिन उसको अच्छा लगता है और बाद में वो एडजस्ट हो जाता है, और बाद में खुशी की जो लेवल है वो पहले जैसी उतनी होती है जितनी पहले 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह जब थी या 50,000 रुपये कमाता था तब थी। मतलब खुशी की लेवल फिर वो नॉर्मल आ जाती है, ऐसे ऊपर तक गई, बाद में फिर नीचे आ गई। तो क्या है कि एक ऐसी कि एक खुशी की लेवल है, हैप्पीनेस की आपकी एक लेवल है, और वो खुशी की हैप्पीनेस की जो लेवल है ना, वो लेवल में आदमी खेलते रहता है, उतनी उसकी हैप्पीनेस है चाहे कुछ भी हो जाए। उसको लगता है कि मैं कुछ होने के बाद में हैप्पी हो जाऊंगा, मगर फिर बाद में वो वापस वही लेवल पे आता है कि जो लेवल पे उसकी हैप्पीनेस पहले थी। अभी एक समझ के चलो कि एक व्यक्ति है कि उसको उसके पास में छोटी गाड़ी है, 4-व्हीलर है, और अभी वो BMW चाहता है। समझो उसके पास में छोटी गाड़ी कोई भी है और वो BMW चाहता है, मर्सिडीज चाहता है, उसको वो लेना है। और फिर वो लेने के लिए उसकी मतलब उसके दिमाग में चालू है कि नहीं नहीं खुशी तो मेरी उसमें है, और कुछ जुगाड़ जमा के बोलो या कुछ सच्ची बड़ी अच्छी कमाई करके या कुछ प्रमोशन लेके बिजनेस बढ़ा के उसने BMW या मर्सिडीज ले भी ले लिया। होता क्या है कि वो खुश हो जाता है, वो घूमता है, बताता है लोगों को, बाद में पहले जितना खुश था, जो लेवल थी खुशी की, वो लेवल पे वापस आ जाता। क्यों? क्योंकि अभी उसको चाहिए बड़ा बंगला, 4BHK वाला या बड़ा फ्लैट 4BHK वाला चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए कि जहाँ उसको बहुत मजा आएंगे, ऐसा वो लगता है ना, उसको खुशी वहां मिलेंगे ऐसा लगता है। अपने को ये देखना पड़ेगा क्या जिनके पास में BMW है, मर्सिडीज है, जिनके पास में बहुत बड़ा बंगला है, कि जो वो सिटी का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट और सबसे कीमती बंगला हो और वहां वो रह रहा है, या उसके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं और बहुत कीमती कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कीमती एजुकेशन ले रहे, क्या वो खुश है? इसका मतलब यही है कि हमारी खुशी जो है वो कभी हमको मिलने वाली है नहीं, वो खुशी के पीछे हम दौड़ने वाले हैं, खुशी आगे आगे और हम पीछे पीछे ऐसा चलने वाला है। फिर करना क्या है? क्या फिर पैसे कमाने का नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बोलता हूँ पैसे कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो ऐसे लोग मिलते हैं कि जो बोलते हैं कि अभी देखो मेरी उम्र 40 साल की है, मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं 100 साल भी जीऊं तो भी आखिरी दम तक मुझे जितना चाहे उतना मैं खर्च कर सकता हूँ, इतना पैसा है, मेरा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, इन्वेस्टेड है, मुझे आज मैंने कुछ भी कमाया नहीं तभी मैं अच्छा जी सकूंगा, इतना पैसा है, और मेरे बच्चे भी जी सकेंगे, इतना पैसा मेरे पास में है, और ये सब होने के बावजूद भी मुझे खुशी नहीं है, कुछ तो भी लगता है कि मिसिंग है, कुछ तो भी कम है, ऐसा लोगों को लगता है। फिर हमने उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो क्या है कि एक आधा बच्चा जो है वो बोलता है कि उसको पूछा आपने कि आपको कितना पैसा चाहिए, बोलेंगे हाँ मुझे है ना 200 रुपये चाहिए, क्योंकि उसके पास में 200 रुपये खर्चा करने के लिए प्लान है। वो प्लान कर लेगा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, खिलौना चाहिए, ये फलाना फलाना, एक शर्ट खरीदने का या जो भी कुछ उसका उसके दिमाग में होगा, या चॉकलेट खरीदने, जो भी है वो चाहिए, और मैं खरीद के उसको खुशी आ जाएंगे। आदमी का ऐसा नहीं है, आदमी का क्या है, हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या होता है कि हम देखते रहते हैं कि हमको तो ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और उसके लिए कितना पैसा चाहिए हमको मालूम नहीं है। फिर किसको मैंने पूछा तुमको कितना पैसा कमाने का, बोलेगा 50,00,000 कमाने का है, या और किसको पूछा बोलेगा 1 करोड़ कमाने का है। करेंगा क्या, उसके पास में कोई प्लान नहीं है। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि पहले प्लान बना लो कि हमको करना क्या क्या है, चाहिए क्या क्या, कि मुझे अच्छा एक बंगला खरीदना है या बांधने का है, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, बच्चों का एजुकेशन है, इतना इतना मुझे खर्चे टोटल लगे हुए हैं, मुझे फॉरेन ट्रिप्स करने उसके इतने खर्चे हैं, तो आने वाले 10 साल में मुझे इतने खर्चे हैं, 1 साल में मैं इतना इतना खर्चा करने वाला हूँ, मुझे कितना कमाना जरूरी है, उसके लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए। वो यदि आप प्लान करते हैं तो डेफिनेटली फिर आप कैलकुलेटेडली काम करते जाएंगे, पैसा कमाते जाएंगे, आपको उसमें आनंद भी आते जाएगा, क्योंकि नहीं मैंने जितना ठहराया था उतना मैंने कमा लिया है ये साल में, और उतना खर्चा भी कर लिया जो मुझे खर्चा ये साल में करना, तो उसमें एक तो मिल जाएंगी खुशी, ताकि
मेरी जो अपेक्षाएं है और जो रियलिटी है उसमें मुझे तालमेल मैं बिठा सकूंगा, एक ये है। दूसरा जो है, सब अमीर इंसान जो है दुनिया के काफी पैसा कमाते हैं, आखिर करते क्या है? सब कुछ कमाने के बाद में उनको लगता है कि नहीं, अभी मुझे नाम यदि बड़ा हो गया तो मुझे खुशी मिल जाएगी। सोशल स्टेटस, नाम, एप्रिसिएशन, अवार्ड्स, ये अवार्ड, वो अवार्ड, समाज भूषण पुरस्कार, फिर वो उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। लगता है कि अभी वहाँ पैसा तो आ गया मगर अभी मुझे समाज में रिकॉग्निशन चाहिए, उससे मुझे खुशी मिलेगी, उससे भी मिलती नहीं है। फिर जो भी लोग बड़े हैं वो देखते हैं कि भाई अभी मैं कितना दान धर्म करूँ, कितना डोनेशन दूँ, क्योंकि जब हम देते हैं तो वहाँ से खुशी मिलती है। और आदमी को सबसे आखिरी में समझता है कि भाई मैं कुछ लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करूँ क्या, लोगों के जीवन में, मेरा जीवन में समर्पित करूँ क्या, लोगों के लिए मैं खड़ा रहूँगा क्या। और जब मैं लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ, लोगों के जीवन में मैं कुछ फ़र्क डालने की कोशिश करता हूँ, और वो मेरे बिजनेस में भी है, मतलब बिजनेस के माध्यम से मैं वो कर सकता हूँ, तो जब आदमी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करता है तो सबसे खुशी जो है वो उसको वहाँ आती है, सबसे बड़ी खुशी। फिर क्यों हम वो जिंदगी के आखिरी के साल तक वो खुशी मिलाने के लिए हम रुके, आज क्यों नहीं? तो हम जी रहे हैं, जीने के साथ साथ हम यदि कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हम डोनेट करते हैं, ऐसा बोला जाता है कि 2-5% नेट प्रॉफिट का यदि आप चैरिटी करते हो, डोनेशन देते हो, दान देते हो, लोगों को देते हो, आपको इतना भर भर के पैसा वापस आ जाएगा, वो मतलब उसकी उसका आप सोच भी नहीं सकते इतना हो सकता है। मगर देने के समय सिर्फ अपना मन साफ होना चाहिए कि मुझे आएगा नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं, मगर मैं दे रहा हूँ। आप डोनेशन दो, चैरिटी करो, जो आखिरी में करने वाले अभी करो, ताकि अभी जो अपना सफ़र है, अभी जो हमारी यात्रा है वहाँ तक जाने की आखिरी, वो यात्रा करने में, सफ़र करने में बहुत मज़ा आ जाएगा। तो आपको खुशी चाहिए तो खुशी आज ही चाहिए, आज और अभी खुशी चाहिए। जो काम करने में मुझे मज़ा आ जाएगा वो खुशी, ना कि एक दिन कार लूँगा तो खुशी मिलेगी, एक दिन बड़ा बंगला तो खुशी मिलेगी। आज खुशी कहाँ से मिल सकती है? आज मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ, लोगों के जीवन के लिए खड़ा रहता हूँ, और उसके माध्यम से जो भी कमाना है वो कमाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ से खुशी मिलेगी। हमारा पर्पस यही था ये वीडियो बनाने के लिए कि आपको खुशी कहाँ से मिलेगी, और खुशी मिलने का एकमात्र स्थान जो है वो बाहर नहीं है, अंदर है, दिमाग में है। और बाहर कहाँ है? तो हमारा दिमाग, हमारा बॉडी, हमारा मन, उसका इस्तेमाल करके लोगों के जीवन में खड़े रहना, लोगों को जो कॉन्ट्रीब्यूट करना है वो करना, ताकि उसमें जो खुशी है वो आपको अनपैरल्ड है, वो आपको और कहीं मिलेगी नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।